हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों के 27 फरवरी को एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं बता दूँ आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। और सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए मेरे भाई सबसे पहले मेरे शेर शेरनियों आप लोगों को करना होगा प्ले स्टोर ओपन। जैसे प्ले स्टोर ओपन करेंगे आपको सर्च करना होगा मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना होगा, याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको पहले डाउनलोड करना होगा। क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने अपने आप लोग अपने अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, लेकिन आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए मेरे प्यारे, और इस कोर्स को आप जरूर बाय कीजिएगा। इस कोर्स की फैसिलिटी इतना फैसिलिटी है, इसमें आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 10 सेट प्रोवाइड किए गए हैं। कितना सेट, 10 सेट प्रोवाइड किए गए हैं। एक सेट में 40 क्वेश्चन, इस तरह से मैं बात करूँ आप लोग का 400 क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से टपकेगी। इस पेपर में आप लोगों का जैसा भी क्वेश्चन आएगी सारा इसी से आएगी।
जब भी ऊपर में कोई सामान रहती है हम लोग लगाते हैं ऑन, क्या लगाते हैं मेरे भाई, ऑन वाटर। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑन वाटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम एकदम सर पे आ चुकी है मेरे भाई, एकदम सर पे मेरे शेर शेरनियों, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ये आप लोगों का तीसरा लेक्चर, लास्ट लेक्चर है, बाकी और लेक्चर देखना चाहते हैं अगर इंग्लिश से रिलेटेड तो आपको इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और ज्वाइन करके आप लोग भरपूर अंदाज के तरीके से तैयारी कर सकते हैं। टॉप लो डज नॉट लाइक, तो बताएंगे क्या हो गए, ग्रीक प्ले, क्या हो जाएगी, ग्रीक प्ले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है द मिनिस्टर लैंड मेलॉन टू द, बताएंगे सर क्या हो जाएगी, किचन, क्या हो जाएगी मेरे भाई, किचन, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सी। आते सर अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको आएगा पोएम सेक्शन से, कहां से, पोएम सेक्शन से, जो चार मार्क्स का आएगा, कितना मार्क्स का, पोएम, वेयर आर डिड माई चाइल्ड हुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट हैड एन इन्फेंट फेस दैट ऑल नाउ, ठीक है। ये हम लोग का मिल गया सर, आपका छोटा सा स्टेटमेंट है, द पोएट इज इन द मूड, किसके बारे में बताया गया था, सरप्राइज, क्या मेरे भाई, सरप्राइज, वन कैन फाइंड वंस लास्ट चाइल्ड हुड, तो बताएंगे सर क्या, ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रेन, ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रेन, क्या मेरे भाई, ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रेन। चलिए सर आगे देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है द पोएट लॉन्ग फॉर, द पोएट है लॉन्ग फॉर है, तो बताएंगे सर क्या होगा, चाइल्ड हुड इनोसेंस, क्या हो जाएगी, चाइल्ड हुड इनोसेंस, द फेस, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पोएट्री सेक्शन का, द फेस ऑन इन्फेंट सिंबलाइज, क्या प्रतीक करती है, इनोसेंस, क्या हो जाएगा मेरे भाई, निर्दोष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, आप यहां से आपका 22 से आपका बुक से स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है, क्या है, अपने स्टोरी से स्टार्ट हो गई, आप स्टोरी ध्यान से देखिएगा, द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन इन कंपोज बाय, तो बताएंगे सर वॉल्ट व्हिटमैन, क्या था मेरे भाई, द वॉइस ऑफ द रेन किसने रिटर्न किया है, किसने लिखा था, इसका लेखक कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन, क्या हो जाएगी, वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। We in the poem childhood stand for, बताएंगे सर याद रखिए क्या हो जाएगी, द फादर एंड द सन, ये क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में, जो आपका टपक रही है ना 27 फरवरी को, वहां पे ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। Who is the poet of the poem father to son, तो बताएंगे सर father to son, जो आपका poet है ना poem, इसमें आपको poet का नाम पूछा गया है कि father to son जो poem है इसका राइटर कौन है, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स, क्या हो जाएगी, एलिजाबेथ जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। 25 में आते हैं, ब्रेड फेस इन द पोयम द लेब्रियम टॉप मींस, तो बताएंगे सर द लेब्रियम टॉप मींस का मतलब होता है क्या, समझेगा, फेस हैविंग स्ट्रिप ऑन इट, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई डिड ग्रैंडमदर कीप ऑन हैड ऑन हर वेस्ट, तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा टू बैलेंस टू हर स्टूप, क्या हो जाएगी, टू बैलेंस हर स्टूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा हिंदी का, मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव जो आप लोगों का है, इलेक्टिव हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का जो क्लासेस है, मैं जस्ट आप लोगों को आज ही से सोच रहा हूं कि स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग सुबह आपको मिलेगा 1-7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे, रात 9 बजे, ये 4 टाइम पे आप लोगों को क्लास होगी, सुबह 7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और आपका रात 9 बजे, ठीक है। क्लास का टाइमिंग देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से क्वेश्चन 100% छपेगी। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का राइटर कौन है, याद रखिएगा मेरे भाई, खुशवंत सिंह, क्या जगह, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह इसका राइटर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर गोटांड वाज सरप्राइज टू फाइंड बॉम्बे अंडर, तो बताएंगे सर क्या होगा, ब्रिटिश रूल, क्या जगह, ब्रिटिश रूल। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से बार बार रिपीटेड किए जा रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। एट स्कूल क्रूकर हैरिस टॉट, तो बताएंगे सर क्या होगी, लैटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो रह जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रोफेसर राजेंद्र डिस्पेंडेंट वाज ए, क्या थे मेरे भाई, तो फिजिशियन, क्या थे, फिजिशियन, ठीक है। भूले नहीं आप लोगों को, अभी से जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए मिसाइल क्लासेस, में बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं पेपर के रिगार्डिंग, तो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स द्वारा जो 10 सेट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, एक सेट में 40 क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको
400 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 400 क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से अगर स्टडी कर लेते हैं तो आप 90% मार्क्स इजिली से ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्रूकर हैरिस कॉल्ड टॉप टू द एशियंस हिम सॉन्ग। तो बताएंगे सर, क्रूकर जो हैरिस थे एक्स्ट्रा वर्क करते थे, वह एक्स्ट्रा वर्क क्या करते थे, कौन याद रखेगा, क्रूकर हैरिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर ग्वाइटेंड स्ट्रॉल्ड इन टू। तो बताएंगे सर क्या होगी, आजाद मैदान, क्या हो जाएगी, आजाद मैदान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। द स्टोरी सिल्क रोड, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन आएगी, गारंटी इस बात का, तीन चार क्वेश्चन आएगी आपका राइटर्स रिलेटेड, तो छोड़े नहीं, छोड़ेंगे आप ही का पछतावा होगा मेरे भाई, इसलिए एग्जाम से पहले आपको राइटर्स रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को कंटेस्ट कर लेना है। द स्टोरी सिल्क रोड का जो राइटर है मेरे भाई निक मिडिल्टन, क्या है, निक मिडिल्टन, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखें सर अगला क्वेश्चन, द स्टोरी द एडवेंचर इज रिटन बाय, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा जयंत नार्लिकर, क्या हो जाएगा, जयंत नार्लिकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, हार इज सिचुएटेड ऑन द स्ट्रीट, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा लेग मेंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप बोलेंगे सर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर सिर्फ बता रहे हैं, आप समझा क्यों नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आता है आप लोगों का मन भी, मेरे भाई समझाने का समय नहीं रहा, अगर समझाने का समय अगर रहता ना तो मैं आप लोगों को बिल्कुल समझाता, लेकिन हाँ मैं जो बता रहा हूँ पेपर के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, जो तीन पोर्शन में बताया गया है, पहला आपका पैसे सेक्शन, दूसरा आपका पोएट्री सेक्शन, तीसरा आपका आएगा सर लिटरेचर सेक्शन, चौथा आपका स्टोरी सेक्शन, चारों सेक्शन को मैं निचोड़ दिया हूँ इन दस सेट में पूरा निचोड़ दिए हैं हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, तो बिल्कुल इस 10 सेट को एकदम अच्छी तरह से कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, निक मिडिल्टन हैड विजिटेड द प्लेस टू डू, तो बताएंगे सर क्या होगी, क्रॉस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, साइद वाज फेमस फॉर हिज, जो साइद है ना वो फेमस थे किसके लिए, कलरनी रे, क्या जो कलरनी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 38 है, साइद वाज अपॉइंटेड प्रोफेशन डैश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आउतर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 1990, याद रखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, साहिद वांटेड टू लर्न स्पेनिश टू रीड, तो बताएंगे सर इसका राइट होगा LURCA, ठीक है। चलिए आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द टेल ऑफ मेलन सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑथर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द टेल ऑफ मेलन सिटी का राइटर कौन है, तो बताएंगे सर विक्रम सेठ, क्या जगह मेरे भाई, विक्रम सेठ जो है द टेल ऑफ द मेलन सिटी का राइटर है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीसरा सेट कंप्लीट करवाया, क्या मेरे भाई, यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीसरा सेट कंप्लीट करवाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जल्दी से जाएं, अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आप लोगों को इसी एप्लीकेशन में क्लास 12 का भी भरपूर तरीके से तैयारी कराया जाएगा ओनली फॉर 399 रुपया में, याद रखिएगा, जहाँ पे आपको चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, सब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सेलेक्टेड सेट, सारा चीज निचोड़ कर बताया जाएगा ओनली फॉर 399 रुपये में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।